सर्विस ले रही हैं लेडीज। तीन नंबर जो टंकी लगी है बहुत, इसमें भयंकर गर्म पानी आ रहा है, भयंकर गर्म। 5 मिनट का होल्ट है, थोड़ा पानी वाली पी लेता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मुलाकात हो रही है आपसे काफ़ी दिनों के बाद। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और शानदार जानदार धमाकेदार जर्नी। तो आइए आपको दिखाते हैं जिस स्टेशन पर मैं हूँ उसका थोड़ा दृश्य। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल जर्नी होने वाली है और एक स्पेशल ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ट्रैवल करूँगा बरेली से लेकर हरिद्वार तक, और एक वीकली ट्रेन कह सकते हो आप इसको, ट्रेन नंबर 15005 राप्ती गंगा एक्सप्रेस में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ राप्ती गंगा एक्सप्रेस के बारे में, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली 750 km के आसपास, और 750 किलोमीटर को तय करने में इसको लगते हैं 14.5 घंटे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी ट्रेन राइट टाइम चल रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने चेक किया तो ये ट्रेन अब 1 घंटा डिले है। बरेली जंक्शन पर इसका आने का टाइम है 6:45 पर, लेकिन अभी जो टाइम दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 7:50 पर, यानी कि दोस्तों 1 घंटा 5 मिनट ये ट्रेन लेट है। क्या ये समय कवर करेगी या नहीं कर पाएगी या और डिले होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलते हैं बरेली रेलवे स्टेशन के अंदर और इन्जॉय करते हैं एक और शानदार जानदार जर्नी। तो चलिए चलते हैं अंदर। आप चाहें तो सामने ओवरब्रिज से भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम चलेंगे इस सामने वाले ओवरब्रिज से, क्योंकि इधर से कई बार जा चुका हूँ। तो चलते हैं सामने वाले ओवरब्रिज से, कुछ नया करते हैं। सामने बराबर में सीढ़ी है और ये एस्केलेटर्स हैं। दोस्तों ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। आज सैटरडे है, मैं सैटरडे के दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ट्यूसडे के दिन इस ट्रेन का नंबर चेंज होता है। थर्सडे और फ्राइडे को इसका ट्रेन नंबर होता है 15005, और ट्यूसडे के दिन इस ट्रेन का नंबर होता है 15001। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ट्रेन वही है, नंबर चेंज है। दोस्तों बरेली जंक्शन मुरादाबाद डिवीजन का A+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, तो ये काफ़ी वाइटल इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है बिटवीन मुरादाबाद एंड लखनऊ। लखनऊ मुरादाबाद बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक ट्रैक चला गया है चंदौसी के लिए। तो चलते हैं दोस्तों फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, क्योंकि अब समय हो चुका है अपनी जगह पर पहुँचने का। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ D3 में, और 31 सीट है विंडो साइज। तो जस्ट आपको बने रहना है इस जर्नी में, मज़ा आने वाला है। सबसे अलग ट्रेन कर रहा हूँ, राप्ती गंगा एक्सप्रेस फ्रॉम गोरखपुर टू देहरादून के बीच ऑपरेट होती है। हालांकि उधर से देहरादून से लेके गोरखपुर तक जाती है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। सामने से जा रही है आला हजरत एक्सप्रेस, डिपार्चर हो चुका है उसका। जा रही है आला हजरत एक्सप्रेस, इसकी जर्नी मैंने की हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, अब आपसे मिलता हूँ गाड़ी के अराइवल पर। तो फाइनली दोस्तों पूरे 2 घंटे के डिले के साथ, 6:45 का टाइम है, 8:45 आ रही है, देख लीजिए, पूरे 2 घंटे डिले के साथ हमारी ट्रेन आती हुई राप्ती गंगा एक्सप्रेस। गाजियाबाद का WAP-7। फ्रेंड्स फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बरेली जंक्शन।
आफ्टर 45 किलोमीटर ऑफ जर्नी वी अराइव आवर फर्स्ट हॉल्ट रामपुर जंक्शन। यस फ्रेंड्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रामपुर जंक्शन, इट हैज थ्री प्लेटफॉर्म्स एंड इट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ दिस रूट एंड वन ट्रैक गोज टूवर्ड्स फ्रॉम हेयर टू हल्द्वानी लाल कुआं एंड काठगोदाम। वन ट्रैक गोज टूवर्ड्स फ्रॉम हेयर एंड दिस इज मेक्स रामपुर जंक्शन। सो वी अराइव हेयर ऑलमोस्ट डिलेड बाई 2.5 hours। यस, दिस ट्रेन इज रनिंग बाई ऑलमोस्ट डिलेड बाई 2.5 hours एंड द हॉल्ट ऑफ दिस ट्रेन इज, फ्रेंड्स, कैन दिस ट्रेन कवर हिज टाइम, लेट्स सी। राजरानी लखनऊ झांसी मेरठ, सो डिपार्चर हो चुका है, अपना भी चलते हैं। सामने फायर एक्सटिंग्विशर से गायब है, चलते हैं। और देखिए दोस्तों, पानी किसी ने खुला छोड़ दिया है, बताइए कितनी बार समझाना पड़ेगा पानी को बंद करना चाहिए। पानी किसी ने खुला छोड़ दिया था, नीचे बॉटल पड़ी है, अब वो क्या पड़ा आप देख सकते हैं। ये प्लस बटन है अपने लिए दे रखा है, और नीचे ये आपका वेस्टर्न स्टाइल है, नीचे मग वगैरह है नहीं, और हाथ धोने के लिए सोप भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इस वॉशरूम की, तो मैं इसको देना चाहूँगा 5 out of 4। कंडीशन कुल मिला के ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बॉटल वगैरह पड़ी हुई है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी पैसेंजर से कि ये जो टैप खोल रखा था उसको बंद करके जाए। Thank you.
दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन। और जैसे ही हम पहुंचे वैसे ही ये गुड्स ट्रेन चल दी। तो अब बात करते हैं मुरादाबाद के बारे में। तो ये इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक गया है नई दिल्ली के लिए और एक ट्रैक गया है सहारनपुर अम्बाला कैंट के लिए, और एक ट्रैक यहाँ से चला गया है सीधे सीधे लखनऊ के लिए, फिर आप रामपुर से काठगोदाम के लिए भी कटा है। तो टोटल मिला के बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ये एक रेल मंडल है नॉर्थन रेलवे का। यह हम पहुँचे हैं 1.5 घंटे के डिले के साथ। यहाँ हमारा हॉल्ट लगभग 5 मिनट का है। अब देखते हैं कि ये ट्रेन अपना समय कॉल कर पाती है या नहीं। फिलहाल अभी तक बहुत कोशिश की है ट्रेन ने टाइम कवर करने की। हमारे पीछे लगी हुई है गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब तो यहाँ हमें ओवरटेक करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारा रूट अलग है और उसका रूट अलग है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जर्नी पसंद आ रही होगी। यहाँ हम कुछ खाएंगे पियेंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। दोस्तों हमने लिया है यहाँ पर एक केसर दूध और एक ली है पेटीज। इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका ढक्कन भी नहीं खोल पाया, डिपार्चर हो गया। पहले आप डिपार्चर देख लीजिए। तो दोस्तों बहुत कम देर रुकी मुरादाबाद में ट्रेन, हार्डली 2 मिनट। तो इसको मैं निपटाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अभी जो मैंने लिया था वो सब कुछ खा लिया है और अभी भी हमने क्रॉस किया है हरथला। ट्रेन फुल स्पीड से चल रही है। अब देखते हैं कि हरिद्वार किस टाइम तक पहुँचेंगे। हालांकि इसका हॉल्ट अब सिर्फ 2 है, एक नजीबाबाद एंड दी अदर वन इज लक्सर। देर इज़ नो मोर हॉल्ट एक्सेप्ट दिस 2। सो लेट्स सी। तो दोस्तों इस ट्रेन में लोकल पानी बिक रहा है, पूरी बीच वगैरह नहीं बिक रहा है, 15 वाला 20 वाला बिक रहा है। तो ये गलत बात है। दोस्तों हम खड़े हैं नगीना में, इस समय स्टेशन थोड़ा सा आगे है जहां हमारा ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। पता नहीं क्यों खड़ा कर रखा है और सिर्फ नगीना की बात क्यों करें। पीछे कई स्टेशनों पर खड़े होते हुए आइए, इसकी बाट लगा दी है। मतलब इंडियन रेलवेज़ क्यों इतनी ट्रेनें लेट कर रहा है और ऑलमोस्ट 2 घंटे डिले के साथ चल रही है और ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है नगीना पर, फिर भी इसको यहाँ पर खड़ा कर रखा है। ऊपर से बात करें इस ट्रेन में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था पानी की बॉटल, वो लोकल बेच रहे हैं, रेल नीर का नामो निशान नहीं है और वो भी 20 रुपये की। इन सालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यही है, देखते हैं यहाँ से कितनी देर में डिपार्चर होता है। नेक्स्ट सी फाइनली हॉन्क हुआ है। जब हॉन्क हुआ है तो चलेगी ज़रूर, लेकिन बहुत ही ख़राब ट्रेन चली है मुरादाबाद से, बहुत ही ख़राब। मतलब अभी हार्डली ट्रैवल किया होगा हमने 60 किलोमीटर के आसपास और इसने 6 से 7 हॉल्ट ले लिए हैं। मतलब 6-7 जगह रुक चुकी है जबकि यहाँ कहीं भी इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था। हॉल्ट सीधे नजीबाबाद है। फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम नगीना। इस रूट पर अभी कोई आगे ट्रेन भी नहीं है ना कोई पीछे है। उपासना एक्सप्रेस इसके पीछे ज़रूर है लेकिन वो भी 2 घंटे लेट है, तो वो तो काफ़ी पीछे होगी। फिर पता नहीं इस ट्रेन को इतना ख़राब क्यों चला जा रहा है, हर एक स्टेशन पर इसको रोका जा रहा है या फिर स्लो निकला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न। तो
नगीना है ये। तो फिलहाल हम डिपार्ट कर रहे हैं नगीना से। लेट्स सी कितने बजे लक्सर पहुंचते हैं, कितने बजे नजीबा और कितने बजे हरिद्वार, आपको अपडेट्स देता रहूं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचे हैं अपनी जर्नी का तीसरा हॉल्ट नजीबाबाद जंक्शन, और यहां पर चार प्लेटफॉर्म है। मुरादाबाद डिवीजन में आता है रेलवे स्टेशन, यहां से एक ट्रैक कोटद्वार के लिए जाए, और सिद्ध वाली जनशताब्दी खड़ी है मेरे पीछे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खड़ी है सिद्ध वाली जनशताब्दी, इसी लिए जा रही है कोटद्वार के लिए। बहुत ही बेकार ट्रेन चलाई मुरादाबाद की बात से, बहुत ही घटिया पैसेंजर टाइम, और अभी हम 2 घंटे लेट हैं, 2 घंटे 15 मिनट। अब चाहे ये ट्रेन शताब्दी बन जाए, चाहे ये ट्रेन राजधानी बन जाए या बुलेट बन जाए, ये ट्रेन अपना समय कवर नहीं कर पाएगी, और हम अब लेट पहुँचेंगे 2 घंटे हरिद्वार। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ALP साहब पीछे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिंध वाली जनशताब्दी चल दी है नजीबाबाद से कोटद्वार की ओर। हॉल्ट 5 मिनट का हॉल्ट है, थोड़ा पानी वाली पी लेता हूँ। तो मेरे पूछिए ये 3 नंबर जो टंकी लगी है वो, इसमें भयंकर गर्म पानी आ रहा है, भयंकर गर्म। इससे तो प्यास भी नहीं बुझेगी। ये देखिए ये नकली बोतल दी जा रही है, ये लीक ही खत्म हो गई, अब तो गर्म पानी फिर दोबारा आ रहा है। डिपार्चर हो गया, चलते हैं। खीरा है, खीरा खाओ, ठंडा खीरा। ये क्या भाई, ठंडा खीरा है क्या भाई? पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का 4th और 2nd लास्ट हॉल्ट लक्सर जंक्शन, स्टेशन कोड LRJ। यहां पर 6 प्लेटफॉर्म है और ये बन जाता है जंक्शन। पानी 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 पानी। ये जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां से एक ट्रैक देहरादून के लिए गया है, इसी केस के लिए गया है, इसलिए जंक्शन बन जाता है। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, 2.5 घंटे डिले के साथ आए हैं। भयंकर लू और गर्मी है नॉर्थ इंडिया में, और इसके बाद हमारा हॉल्ट सीधा हरिद्वार है। खड़ा करना चाहिए कम से कम 10 मिनट ताकि यात्री कुछ लेके खा सकें, तो वहाँ खड़ा कर रहे हैं 2 मिनट। इतना बुरा हाल है, सही से कुछ ले भी नहीं पा रहा है, पानी भी नहीं भर पा रहा है सही से यात्री, और ट्रेन चला दे रहे हैं। मुरादाबाद में भी यही हाल था, लक्सर में भी यही हाल था। मैंने लिया ब्रेक पकड़ा।
ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बाहर ट्रेन ने 5-5, 10-10 मिनट खड़ी कर रहे हैं, मुश्किल से 2 मिनट खड़ी होगी अक्सर। चला दी बेचारे, कोई कुछ खाने के लिए ले रहा था ले भी नहीं पाया, और कोई पानी के लिए भर रहा था पानी भर भी नहीं पाया। इसमें आलू वालू कुछ नहीं है, 10 रुपये का एक दिया, 2 लिए थे मैंने, आलू वालू कुछ नहीं है इसमें। फिलहाल लक्ष्य से डिपार्चर कर रहे हैं हम अब सीधे हरिद्वार, लेकिन देखना रास्ते में पक्का कहीं ना कहीं खा देंगे। देखते हैं, ये है हमारे मित्र, उन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और ये कह रहे हैं कि भैया हम आपकी ये जो जर्नी है ये देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए उन्होंने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और अभी हमारी जर्नी। दोस्तों फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, आपने अराइवल देखा हमारा स्टेशन का, और अब हम आ गए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार पर। ये देखिए, ये है गंगा माँ और सामने आपको पीछे माउंटेन्स दिख रहे होंगे, और ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जर्नी पसंद आई होगी, अगर आपको जर्नी पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली जर्नी में, हालाँकि कल जो है वापसी होगी 13010 से, लेकिन उसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए शानदार गंगा माँ का दृश्य। जय हिंद।